कोलकाता हाई कोर्ट का एक बड़ा आदेश जो है सामने आया है। टीएमसी नेता भादू शेख की हत्या की जांच अब सीबीआई करेगी। इसी के साथ मैं आपको जानकारी दे दे कि कोलकाता हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को ये जांच का आदेश दे दिए हैं और तृणमूल कांग्रेस के नेता की हत्या की जांच करने के आदेश अब दे दिए गए हैं। कोर्ट ने 9 हत्याओं की जांच भी सीबीआई को सौंपी है। बंगाल के बीरभूम जिले में 9 लोगों की जिंदा जो है जला दिया गया था, इसके बाद में इसकी जांच अब सीबीआई कर रही है। और इसी के साथ में अब टीएमसी नेता भादू शेख की हत्या की भी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। कोलकाता हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को आदेश दिया है कि वो इस मामले की जांच करे। और इसी के साथ में आपको जानकारी दे दे कि तृणमूल कांग्रेस के नेता की हत्या की जांच भी अब सीबीआई करने वाली है। कोर्ट ने 9 हत्याओं की जांच भी सीबीआई को सौंपी और सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि बंगाल के बीरभूम जिले में 9 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, इसके बाद में इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। और अब टीएमसी नेता भादू शेख की हत्या की भी जांच सीबीआई करेगी, क्योंकि कल जब सुनवाई हुई थी तो इसमें याचिका दायर की गई थी और याचिका में ये मांग की गई थी कि ये दोनों मामले एक दूसरे से अटैच हैं। और इसी को देखते हुए टीएमसी नेता भादू शेख की हत्या की जांच भी सीबीआई को सौंपी जाए। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।